हेलो फ्रेंड्स, स्वाद की हेल्दी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्के का चटपटा दाना। तो उसके लिए मैं ऐसे मक्के ली हुई हूँ, उसके दाने मैं सारे निकाल ली हूँ। अभी मैं एक बर्तन में उसको दाने को डाल दूंगी, उसमें पानी डाल दूंगी। 2 से 2.5 गिलास मैं पानी डाल रही हूँ, इसको उबलने के लिए मैं रखूंगी। 4 से 5 मिनट तक उबलने के लिए रखी हूँ, हो गया है 4 से 5 मिनट तक। खोल के देखूंगी, चेक करूंगी हो गया है कि नहीं। दाने पक चुके हैं, गैस मैं बंद कर दी हूँ। 5 मिनट के लिए मैं रखी हुई थी, अभी मैं एक प्लेट में निकाल दी हूँ दाने को। बहुत ही झटपट तैयार होते हैं ये मक्के के दाने जो मैं बना रही हूँ। सबसे पहले मैं काला नमक डालूंगी, चाट मसाले थोड़े से, काली मिर्च मैं पीस के रखी हुई थी उसको मैं डाली हूँ, 1/2 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ सादा, 1 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाली हुई हूँ, अच्छे से मिला दूंगी। अभी मैं 1 टमाटर काट के रखी हुई थी उसको मैं डालूंगी, और 1 प्याज मैं काट के रखी थी उसको मैं डालूंगी। अभी सारे प्याज और टमाटर और मक्के के दाने में सब मिक्स कर दूंगी, ताकि नमक और मसाले सब अच्छे से मिल जाए। ज्यादा झंझट भी नहीं है, बस उबालिए और झटपट दाना तैयार करिए, और सेहत भी अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा नाश्ता भी तैयार हो जाता है, बच्चे भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से बनाएं चटपटे मक्के के दाने।